बेनीपट्टी SDPO अरुण कुमार सिंह ने गुरुवार को हरलाखी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना के भौतिक स्थिति का जायजा लेते हुए रिकॉर्ड संधारण, सिरिस्ता, गुंडा पंजी, फरारी पंजी, मालखाना व थाना कार्यालय सहित सभी पंजियों का बारी बारी से गहन अवलोकन किया। थाना अध्यक्ष अनोज कुमार को लंबित कांडों का शीघ्र निष्पादन करने, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाने व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। शराबबंदी को प्रभावी बनाने एवं दिवा रात्रि गश्ती एवं संध्या नियमित करने, वाहन चेकिंग, बैंक व पोस्ट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज समेत अन्य सार्वजनिक संस्थानों की चेकिंग अनिवार्य रूप से किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पुलिस मुख्यालय के ससामयिक आदेश पर हरलाखी थाना का विशेष निरीक्षण किया गया, जिसमें 5 शीर्ष विषयों के आधार पर निरीक्षण कर समीक्षा व अवलोकन के बाद लिखित प्रतिवेदन रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा। मौके पर थाना अध्यक्ष अनोज कुमार, SI प्रमोद सिंह, ASI ध्यानी पासवान, मुंशी राजेश कुमार सिंह, शिवजी सिंह, वीरेंद्र राय समेत अन्य पुलिस कर्मी व चौकीदार भी मौजूद थे। ये हमारे पुलिस मुख्यालय का आदेश होता है, समसामयिक आदेश होता है, कि वहीं से हम लोग कार्य होता, बंटवारा सभी SDPO किया जाता है। तो इसमें हरलाखी थाना विशेष चेकिंग कुछ मुद्दा है, 5 शीर्ष में हम लोग निरीक्षण करना, विशेष निरीक्षण करना है और इसका जवाब पुलिस मुख्यालय को जो हमने पाया समीक्षा करने, जो हमने निर्देश दिया क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छाईपन है, क्या क्या करना है, इसके संबंध में समीक्षा के बाद और इसका लिखित प्रतिवेदन हम लोग पुलिस मुख्यालय को देंगे। कुछ विशेष आदेश भी दिया गया है? आदेश है कि इसमें जो हमारा अपराधी है, जो गंभीर कांड होते हैं, जैसे हत्या है, लूट है, डकैती है, अनुशीर्ष 5 शीर्ष है, उसमें लंबित नहीं रहे, जो गिरफ्तारी उसका है गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, खासकर और भी चोरी है इस तरह के हैं उस पर हम गश्ती, प्रभावकारी गश्ती करें। प्रभावकारी गश्ती में सतत होता है कि हम चौकन्ना रहें, इसके लिए बैंक चेकिंग करना है, स्कूल कॉलेजेज हैं उसमें बच्ची जाती है और कुछ अवांछित तत्व होते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए, संध्या गश्ती, दीपा गश्ती, गोरल इलाका है उस पर भी दिया गया है, यहाँ लोग गश्ती कर ही रहे हैं, ऐसे विशेष अक्षमांत चेकिंग कर देना है गोरल इलाका में, जो अवैध बॉर्डर इलाका से आते हैं उससे संबंध में निर्देश देंगे कि एक बार सख्ती से रुक जाए, उसका रोकना है, अगर पकड़ा है तो उस पर जो भी संबंध कार्रवाई है सो करेंगे। मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।